मैं सच कह रहा हूँ, ये शेयर मार्केट वाले ना सच में एक दिन पूरी दुनिया को चूना लगा के चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एक हॉलीवुड मूवी है जो 2013 के अंदर आई थी। और ये जो मूवी है एक रियल पर्सन जॉर्डन बेलफोर्ड के उसकी लाइफ के ऊपर आधारित है। और जॉर्डन बेलफोर्ड जो वो शेयर मार्केट का एक ब्रोकर होता है, ये ब्रोकर नाम सुनते ही मुझे हर्षद मेहता की याद आई। भाई सच कह रहा हूँ, ये शेयर मार्केट वाले ना कसम से इनका दिमाग अलग ही लेवल का चल रहा होता है। तो ये जॉर्डन बेलफोर्ड है, इस व्यक्ति के करेक्टर को प्ले किया लियोनार्डो डी कैप्रियो ने। तो समझ लो कि परफॉर्मेंस के मामले में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कहानी की चर्चा कर लेते हैं। जॉर्डन बेलफोर्ड जो है वो शेयर मार्केट में आते हैं और धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है। और जो इसकी जर्नी इसके अंदर दिखाई गई है, ये इंसान इतना ज्यादा अमीर हो जाता है, इतने पैसे इसके पास आ जाते हैं कि इसके पास दुनिया की हर कीमती चीज इसके पास मौजूद होती है। लेकिन फिर वही होता है ना कि पैसा इतना ज्यादा है भाई, उसका तो नशा होना ही है। और ये रियल का नशा करने लग जाता है। मतलब अब तो वही, अब तक तो ऊपर दिखाया जा रहा था, अब इसका डाउनफॉल इसमें हमें देखने को मिलता है। यानी एक जो जर्नी इसके अंदर दिखाई गई है, इसका शेयर मार्केट में आना, कैसे सक्सेसफुल होता है, फिर वापस नीचे की तरफ आना, तो ये सब चीजें हमें बहुत एक एंटरटेनमेंट के तरीके से इस मूवी में रिप्रेजेंट की गई है। देखो पूरी मूवी के दौरान कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार इमोशनल हो रहे हो, कॉमेडी के तरीके से फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इस मूवी में। तो जॉर्डन बेलफोर्ड की अपनी जो एक आदत इसको लग जाती है नशा करने की, बहुत भयंकर वाला नशा करने की, इसको हर थोड़ी देर बाद नशा चाहिए, उसके बिना ये रह ही नहीं पाता है। तो अपने इस नशे की आदत के कारण साथ ही साथ इसके जो दोस्त होते हैं वो भी फुल ऑन टल्ली होते हैं नशे की, उनकी फुल ऑन आदत होती है। तो ये नशे के कारण कैसे इसका डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप एक जॉर्डन बेलफोर्ड करके आप सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको पता चलेगा कि बंदे के पास कितना ज़्यादा पैसा, क्या क्या चीज़ें इसके पास थी। और उस वक्त जब ये जॉर्डन बेलफोर्ड की अपनी कहानी हमें दिखाई गई, उस वक्त उसके पास एक, जब इसने शादी की थी अपने एक बहुत फेमस मॉडल हुआ करती थी, उससे इसकी शादी होती है। मतलब बंदे के पास फुल ऑन सब कुछ होता है। फिर वही आता है ना कि कहाँ तक लेके चलोगे यार, उसको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा सब चीज़ें गवाई भी जाती हैं, जेल भी हो जाती हैं, बहुत कुछ ये सहता भी है। इसके जो करेक्टर को, जो जैसे मैंने कहा कि जो प्ले किया गया है लियोनार्डो डी कैप्रियो के द्वारा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारे सामने। जैसे उन्होंने जो प्ले किया है, हमें लगता ही नहीं कि यार वो मतलब एक्टिंग हो रही है, बहुत रियलिस्टिक कि भाई ये इंसान जो है वो सच में हमारे सामने ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। और जो डायलॉग इसके अंदर है बहुत बढ़िया है। एक जो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप इसको इंग्लिश में ही देखें, क्योंकि उसमें फील आता है, एक्चुअल में फील आता है। मुझे, मैंने हिंदी में भी ट्राई करके देखा था, लेकिन हिंदी की बजाय मुझे इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। जिस तरीके के जो डायलॉग मुझे सुनने को मिले बहुत बढ़िया मुझे लगा। अब देखो मूवी जो है वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एडल्ट चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, नशा पता बहुत ज़्यादा है, तो ये बच्चों के लिए तो है ही नहीं। हाँ एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, लेकिन अकेले में ही देखने के लिए। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।